तू पास सब पास, तेरे मधुर मिलाप में है सुख सिद्धि निवास। कि धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन, जो सुमिरे श्यामा श्याम। प्रथमे गुराज को वंदना, द्वितीय मनाव गणे, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो परवे। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना। हम इसलिए बार बार ये सेटअप छेड़ने के लिए मना कर रहे थे आपसे। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुख डाना मोड़ी। आज चड्डा परिवार अपने सद्गुरुदेव भगवान से, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा ये परिवार चल रहा है, आपकी कृपा से मेरा ये घर आंगन फल फूल रहा है। आपसे निवेदन है कि सदैव आप अपनी कृपा की नजर हमारे इस परिवार पर यूं ही बनाए रखिएगा। आपकी कृपा रही तो मैं हर मुश्किल से गुजर जाऊंगा, आपकी कृपा चाहिए बस। आइए चड्डा परिवार अपने भाव ठाकुर के श्री चरणों में रख रहे हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में, हम सब भी उनके संग इस भाव से जुड़े। आइए सभी गाइए गाए। जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, हरी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़े। सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना। हरी बोल।
खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। क्यों आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को अजमाया है, लोग कांटों से बचकर निकल जाते हैं, मैंने फूलों से भी जख्म खाए, मैंने फूलों से भी जख्म खाए, मैंने फूलों से भी जख्म खाए। केवल अपना ही होता है जो चोट मारता है, गैर को क्या मालूम दिल किस बात से दुखता है। ओ तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। पल्ला फड़ियाई वे, जिस जिसने पल्ला मेरे ठाकुर का पकड़ा है अपने गुरुदेव का, जरा हाथ उठा करके कहिए, तेरा पल्ला फड़ियाई वे बाबा अति विचार न छोड़ी, तेरा पल्ला फड़ियाई वे बाबा अति विचार न छोड़ी, ओ बाबा अति विचार न छोड़ी, बाबा अति विचार न छोड़ी, ओ सतगुरु अति विचार न छोड़ी, सतगुरु अति विचार न छोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना। श्री राधे, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने। जब कोई ज्यादा प्रभु का गुणगान करने लग जाए तो दुनिया वाले उनको पागल के सिवा कोई संज्ञा नहीं देते प्यारे। मीराबाई ने जीवन भर प्रभु का गुणगान गाया। मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन, यदि आप भी ऐसा करेंगे तो बाकियों के साथ ऐसा संकीर्तन में बैठे लाभ लीजिए इसका। मुझे एक बात याद आ गई, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में संकीर्तन था तो किसी संत के पास बैठना हुआ, किसी संत के पास। बात तो बहुत सच्ची है, अच्छी है, लेकिन शायद हम मानते नहीं। हम संकीर्तन रखवाते हैं अपने या कारण, शादी का पहला कार्ड हम प्रभु को निमित्त करते हैं। क्या कह करके आते हैं कि प्रभु निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, आपके बालक की शादी है, हमारी लाज हमारी शान आपके हाथ है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं हम प्रभु को इनवाइट करके आए, यदि प्रभु आएंगे तो घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए।
पूरे विवाह में तो नहीं कहता, संकीर्तन में तो कम से कम वो आएंगे ही आएंगे, संकीर्तन में तो वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने प्रेम से उनको निवेदन किया है आने के लिए, आपने उनको निमंत्रण दिया है, आपके भाव कैसे ना सुने और वो आए। और यदि आप बातों में लगे रह गए तो फिर ना जाने किस रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे, अवश्य आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इसी भाव के साथ, जिस भाव से आपने प्रभु को निमंत्रण दिया है, उसी भाव के साथ संकीर्तन में बैठिए। कोई मेहमान आ रहा है, जा रहा है, अरे तीन चार दिन पड़े हैं आपके पास सेवा के लिए, टेंशन मत लो, आज के दिन केवल यही एक मेहमान है, बस केवल एक ही, बाकी सबको भूल जाओ। ये मेरा वादा है आपसे, कोई नाराज होकर आपके यहाँ से जाएगा नहीं, मेरा वादा है, लेकिन आज के लिए सबको भूल जाओ, इस दो घंटे के लिए केवल इसको याद करो। मैं आपकी ही अरदास लगा रहा हूं, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, हो लोकी मारने मेरे ताने, लोकी मारने मेरे ताने, अपने मेरे होए बेगाने, अपने मेरे होए दीवाने, अपने मेरे होए बेगाने, अपने मेरे होए बेगाने, चाहता दिल विच बसाया है, दिल बुझिया बुझिया रहंदा है, हुण आके वेख ले हाल मेरा, जग पागल पागल कहंदा है, जग पागल पागल कहंदा है, ओ जग पागल पागल कहंदा है, हम पागल है पागल ही सही, हम दीवाने हमें मत रोको, ये दुनिया वाले क्या जाने हम किससे मोहब्बत करते हैं, हम किससे मोहब्बत करते हैं, हम किससे मोहब्बत करते हैं, हमारे बिगड़े दिमागों में हरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो भैया, हम पागल ही अच्छे भैया, हम पागल ही अच्छे भैया, हम पागल ही अच्छे। यदि दुनिया ताने मारे तो मारने दो, उस पर विश्वास नहीं करो, ना उस पर ध्यान दो, केवल ठाकुर की तरफ। कोई पागल है कोई पागल है धन दौलत का, जय कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, ओ लोकी मारने मेरे ताने, लोकी मारने मेरे ताने, अपने मेरे होए बेगाने, अपने मेरे होए बेगानी, मैं विनती करनिया, मैं विनती करनिया, बाबा ए रिश्ता ना तोड़ी, मैं विनती करनिया, बाबा ए रिश्ता ना तोड़ी, ओ बाबा ए रिश्ता ना तोड़ी, बाबा ए रिश्ता ना तोड़ी, ओ सतगुरु तोड़ी, सतगुरु
गलज तक किसे न जानी, ए गलज तक किसे न जानी, ए गलज तक किसे न जानी, ए गलज तक किसे न जानी। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा था ना कि भाव से आपने निमंत्रण दिया है। कई बार हमारे पाप इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि हमें विश्वास भी नहीं होता कि हमने निमंत्रण दिया है, ठाकुर जी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, रसिकों ने कहा है, सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। काबिल न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, हम तेरे चाहने वाले, हम तेरे चाहने वाले। एक बार एक बांके बिहारी जी के दरबार में एक बार एक सेठ आया। सेठ के साथ में उसका एक दास था, नौकर, जो कि जात से मुसलमान था। लेकिन उसने बिहारी जी का जो दर्शन किया, त्यों ही उसका हृदय, उसका चित्त सदैव सदैव के लिए ठाकुर का हो गया, सदैव सदैव के लिए। उसकी इतनी निष्ठा हो गई प्रभु के श्री चरणों में कि वो प्रभु के सिवा कुछ चाहता ही नहीं था। एक बार की बात है, उसके पास खत आया, एक रिपीट बंद कर दो इसको, रिपीट। उसके पास एक खत लेकर के एक व्यक्ति पहुंचा, जिस खत में लिखा था कि मेरी ये प्रिय दास है, यह मेरे प्रिय दास हैं और इनकी पुत्री का विवाह है, इनके पास उपयुक्त धन नहीं है, आप इन्हें धन मुहैया करवा दें, आपका प्यारा श्री बांके बिहारी। खत आया है। उस मुसलमान ने उस व्यक्ति को जितना धन उस पे हो सका बन सका, उसने उसकी पोटली बनाकर के उस व्यक्ति को दे दी और बोला बिहारी जी से मेरी राधे राधे कह दे। बोले ठीक है राधे। उस मुसलमान के पास बैठा उसका एक मित्र बोला कि भैया ये आपको ठग करके चला गया, ये आपको ठग करके चला गया, ये खत झूठा है। लेकिन उस मुसलमान की भक्ति देखो, कह रहा भैया आज यदि झूठा आया है तो एक ना एक दिन सच्चा भी आ जाएगा, एक ना एक दिन सच्चा। यही भाव केवल आप में जागृत हो, मेरा केवल यही निवेदन है।
तेरी साड़ी प्रीत पुरानी, तेरी साड़ी प्रीत पुरानी, ए गलज तक किसे न जानी, ए गलज तक किसे न जानी, हुण तेरे दर आईया वे, हुण तेरे दर आईया वे, बाबा तू खाली ना मोड़ी, हुण तेरे दर आईया वे, बाबा तू खाली ना छोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, 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 ओ बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, ओ सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा Hey, Rana.